Guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about supremum and infimum. So pehle uske liye humko pata hona chahiye what is lower bound and upper bound. Lower bound kya hota hai, upper bound kya hota hai, wo dekh lete hain pehle. So first we will start with lower bound. So to understand this, we will take a real line. यहाँ पे लेते हैं वन एंड यहाँ पे टू. So we are considering one closed interval वन टू. So वन के इस तरफ जो भी values होंगी वो छोटी होंगी, okay? And टू के इस तरफ बड़ी values होंगी. So वन के इस तरफ जो भी छोटी values होंगी and including वन, वन मिला के जो भी values होंगी, that will be called lower bound for this closed interval 1, 2. Okay, so lower bound ko define kaise karenge? Is equal to, it is the set of all x such that x is less or equal to x dash. And ye x dash kya hai? This belongs to closed interval 1, 2. Okay? X dash kya hai? Element hai. क्लोज इंटरवल वन टू का. सो ऐसा एक्स अगर कोई मिलता है जो सेटिस्फाई करता है ये प्रॉपर्टी एक्स लेस और इक्वल टू एक्स डैश, देन डैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू. सो यहाँ पे लोअर बाउंड्स क्या निकलेंगे? वन, ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन. जैसे कि मैंने बोला कि जो भी वन से छोटी वैल्यूज होंगी यहाँ पे एंड इंक्लूडिंग वन मीन्स वन मिला के. सो वन मिला के और उससे छोटी वैल्यूज जो भी होंगी डैट विल बी लोअर बाउंड ऑफ दिस क्लोज इंटरवल वन टू. ओके, सो ये लोअर बाउंड हो गया. ओके, अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखते हैं. तो अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या रहता है? जी एल बी बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. Or in other words, we say that it is infimum. So, उसको कैसे define करेंगे? It is the maximum of the set x less or equal to x dash, and ये x dash belongs to I. I is any closed interval, okay? Or open interval. So, ये कौन सा set है? ये वाला ही है लो बाउंड. सो जी एल बी इज नथिंग बट इट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द लो बाउंड्स. सो जो भी लो बाउंड्स निकले उसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगी ना उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लो बाउंड. सो इसमें से ये सब लो बाउंड्स है, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? वन है ग्रेटेस्ट. देयरफॉर जी एल बी ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू क्या होगा? वन होगा. ओके, जी एल बी ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू इज इक्वल टू वन. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज अपर बाउंड. सो अभी अपर बाउंड देखते हैं क्या होता है. सो अभी टू के इस तरफ जो भी वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी टू से. ओके, सो वो सब वैल्यूज इंक्लूडिंग टू मीन्स टू को मिला के एंड वो जो सब बड़ी वैल्यूज है टू से दैट विल बी कॉल्ड अपर बाउंड फॉर दिस क्लोज इंटरवल वन टू. सो अभी अपर बाउंड को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स डैश एंड ये एक्स डैश बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आई और ओपन इंटरवल. आई कौन सी भी इंटरवल रह सकती है. ओके, सो अपर बाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशन. एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू द अदर एलिमेंट्स विच बिलोंग टू दैट इंटरवल. ओके, सो यहाँ पे अपर बाउंड देखते हैं अभी क्या निकलेंगे इसके. अपर बाउंड्स ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू कौन कौन से अपर बाउंड्स होंगे क्लोज इंटरवल वन टू के? टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन. ओके, सो ये होंगे अपर बाउंड्स ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू.
यू कैन वेरीफाई डैट दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन. देखो यहाँ पे थ्री ग्रेटर देन है, क्लोज इंटरवल वन टू में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उससे थ्री ग्रेटर है, ओके. एंड जो भी एलिमेंट्स आते हैं क्लोज इंटरवल वन टू में वो क्या है, लेस देन है फोर से, ओके. एंड यहाँ पे इक्वल टू साइन क्यों ली गई है, क्योंकि हम टू को इंक्लूड कर रहे हैं अपर बाउंड में, ओके. सो यहाँ पे इसलिए टू लिया अपर बाउंड, ओके. सो टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द अदर एलिमेंट्स विच बिलोंग टू क्लोज इंटरवल वन टू. थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द अदर एलिमेंट्स विच बिलोंग टू क्लोज इंटरवल वन टू एंड सो ऑन. दैट इज दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर दीज आर अपर बाउंड्स ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू, ओके. अभी देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड का कंसेप्ट क्या होता है. सो लीस्ट अपर बाउंड को ऐसे लिखते हैं एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड. सो इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट सुप्रीमम, ओके. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मिनिमम ऑफ अपर बाउंड का सेट जो होगा ना ये वही लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू x डैश. एंड ये x डैश कहाँ का एलिमेंट है, i का, ओके. सो एल यू बी इज नथिंग बट इट इज़ द लीस्ट एलिमेंट विच अमंग द अपर बाउंड्स. सो जो अपर बाउंड्स होंगे उनमें से जो लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा ना, वो कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड. सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू क्या होगा, अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा है उसको बोलेंगे एल यू बी. सो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, टू है. सो एल यू बी ऑफ क्लोज इंटरवल वन टू विल बी टू, ओके. एंड वन थिंग टू बी नोटेड दैट जी एल बी एंड एल यू बी मे और मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट, ओके. Now we will consider another examples. Now this is one set containing 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So abhi GLB nikalte hain pehle. So this is, isko denote karenge A se. So GLB of A kya honga? Greatest lower bound kaun sa honga? It will be 1. Okay. And least upper bound kya honga? 5, ओके. देखो इसके लो बाउंड्स क्या होंगे, 1, 0, माइनस 1 एंड सो ऑन, लेकिन उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 1 होगा. देयरफॉर इट इज जी एल बी ऑफ ए. अभी इस सेट के अपर बाउंड्स कौन से होंगे, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ओके. तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 5 है. देयरफॉर इट इज एल यू बी ऑफ ए, ओके. अभी ये ओपन इंटरवल 0, 1 को देखते हैं. सो इसके अपर बाउंड्स कौन से निकलेंगे, अपर बाउंड्स विल बी 1, 2 एंड सो ऑन, ओके. सो अभी लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा इसका, एल यू बी ऑफ बी विल बी 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, जो भी अपर बाउंड्स है उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1 है. देयरफॉर एल यू बी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, ओके. एंड अभी लो बाउंड देखते हैं. सो लो बाउंड्स क्या निकलेंगे, 0, माइनस 1, माइनस 2 एंड सो ऑन, ओके. सो अभी इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है. देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी. एंड जैसे कि मैंने बोला कि जी एल बी एंड एल यू बी मे और मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट. सो जी एल बी यहाँ पे 0 निकला, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन ओपन इंटरवल 0, 1, ओके. बिकॉज द एंड पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल, ओके. एंड वैसे ही एल यू बी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, ओके. लेकिन क्लोज इंटरवल में जी एल बी एंड एल यू बी बिलोंग करते हैं वो इंटरवल में, ओके. सो जी एल बी एंड एल यू बी मे और मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट, ओके. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.